जो पुरानी हवेलियां हुआ करती थी वो आज खंडरों में तब्दील है और उसकी ईंटें कुछ ऐसी बिखरी पड़ी है। भले ही वक्त बदल गया हो लेकिन 1947 की एक कहानी पता लगी है कि कहते हैं कि सारे मुसलमान 12 गांव के यहाँ इकट्ठा हो गए थे। बाबू जी वो क्या बता रहे थे कि आप मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए थे, क्या बात थी? उस टाइम बंटवारे के टाइम में मुसलमान बहुत इज्जत वाले थे, पैसे वाले थे, जमीन वाले थे, पूरा इकट्ठे हो गए थे। जो इतों के मुसलमान सन बड़े तगड़े डाकू सन, चार चुफेरे हाफ डी का ना सी उस टाइम, जिसे कोई शह लै आते वापस नहीं समझ देते। शादी होंगी सी ना वो दे जरा पकड़ के पहली रात जी होंगी रख लें हों अपना वोटी ला लो घरवाली जी होंगी व्याई सज्जरी उन रख लेंदे सी। वो फिर इतने मतलब किसी ने जाके आख्या भी एक बाबा मीरा साहब है उस तो फिर बाबा मीरा साहब जी आया सन उन्होंने आण के मतलब ये पिंड तीजे थान से वसया साडा हावड़ी। ये टूट गई जी हवेली सारी? हाँ टूट गई, बहुत तगड़ी बहुत तगड़ी हवेली थी। ये कैसी हवेली थी क्या बताते थे आपने? कड़ी गांव की एक ये मस्जिद है काफी पुरानी जो उस दौर की है, यहाँ से आज से मुसलमान इतने तगड़े तगड़े घर सन वसते पुजते सन उस आधार से ही सू जो पाकिस्तान तो आए हाँ उस आधार से सू इत जमीन मिल गई। बाकी असी भी पाकिस्तान लहदा लहदा बैठे सपना कट्ठे बैठे स उत्थे इतें आ के लहदा लहदा बरादरिया सारिया हो गई ने उत्थे एक एक पिंड एक सा बरादरी सी भाईचारा से जोड़े उतों के मुसलमान ने उन्होंने भी साडा बहुत बजुर्ग दसते हैं कि भाईचारा से साई सी ब्याहवा टंगा दे पहलू मुसलमाना के पुराने घर सन दो चार हवेलियाँ चंगिया सन जोड़े व्डे जिमीदार सन उन्होंने भी जोड़े फिर व्डे जिमीदार उधरों आए थे उन्होंने आधार से ही हवेलियाँ भी तो जमीन भी जिन्हों को चंगा मकान से उन्होंने चंगे हवेलियाँ दो चार सन उन्होंने मिल गई। जमीन साड़ी काफ़ी घट गई, घट्टो घट भी 60% जमीन हर एक घट आई है। पहलों पहलों आए हैं साड़ी संभाल तो पहलों, बाकी हूँ नहीं कभी आए क्यों हूँ वो रहे नहीं गए। हाँ तगड़े तगड़े सन, एक सुलेमान मुसलमान से तो दिमाग बहुत सी पंचायत पंचायती बंदा सी। बाकी जोड़े इतों के मुसलमान सन बड़े तगड़े डाकू सन, चार चुफेरे हाफ डी का ना सी उस टाइम, जिसे कोई शह लै आते वापस नहीं समझ देते। सां थोड़ी इन्ना मेहनत करके बनाइया जंगल पट पट जमीन बनाई सां थोड़ी सर थोड़ी जिम्मे मतलब होना मुंजिया खलोतियां ने कोठियां बनिया ने चक्कर थोड़े सन उदों जंगल सन सारे पानी पीने वास्ते नहीं लभदा खूह होंगे कितने कितने पानी उसे जाग मार साहब की जगह है वे वड्डी मीरा साहब पिंड हाबड़ी च बाकी सत्त जगह ने सत्ता राह ने हाबड़ी को सत्तां दे उत्ते ही हर एक जगह उन्होंने हर एक राह से उन्हें इस तरह दसते हैं कि यार बाणा साहब है उत्थे मेरे को पैड़ी है उत्थे भी जगह बनी है वो पैड़ी मैं हूँ बाणी मुल ली बजुर्ग साढ़िया ने दसते रहे। जो किसी बाहरों कोई कुड़ी व्याही आती सी ना इत्थे रहिंदे सन बंदे जिहड़े वो जे किसी की धी भैन व्याही जानी उन्होंने भी एक रात रखते सन तो जे बाहरों किसी ने विह के लियानी है तो उन्होंने भी एक रात रखते सन। जिम्मे सुनी है गल असा कुड़ी का विह से वो फरियाद लेके पहुँचा सी खाबड़ी का नहीं सी वो है सी कड़ाम साइड का कड़ाम भी इन्हों की जगह बहुत तगड़ी है। ये दो तीन बारी मतलब इतने एक दे हुंदा सीगा शादी हुंदी सी ना वो दे जिहड़ा सी पकड़ के पहली रात जिहड़ी हुंदी सी उह रख लैंदा हुंदा सी अपना वोटी नूं ला लो घरवाली जिहड़ी हुंदी सी व्याही सज्जरी उन्हूं रख लैंदे सी। वो फिर इत्थे मतलब किसी ने जाके आख्या भी एक बाबा मीरा साहब है उस तो फिर बाबा मीरा साहब जी आया सन उन्होंने आण के मतलब ये पिंड तीजे थान से वसया साडा हावड़ी। ये फिर युद्ध करते करते तो सहायता से आए सन बालक सन उदों दसते हैं तो उन्होंने नाल लड़ते लड़ते शहीद हो गए। रिश्तेदार भी उन्होंने बाबा मीरा साहब का जिमें दसते हैं कि ये जरा बाबा रवाणा साहब जिते मैं दसना तुम्हें ये इन्हों का भाणजा है उन्हें हाँ का नारा मारिया किसी ने जो मतलब लड़ाई हुई थी हाँ का नारा मारिया साढ़े नाल धक्का होंदा तो इस तो ही ना हाबड़ी पिया खूह के उत्ते पानी भरन दी जनानियाँ
उन्हें कह दिता भी आ देखो दड़ फिर काटे वाला भाई मतलब लड़ता आने लग रहा। उन्होंने उत्थों फिर सीज चुक के बकाया से अंदर मीरा की ढेरी बनी हुई है उस थान से मतलब साडा पिंड तीन वारी है जिहड़ा गर्क होया सीगा। तीजे थान ते पिंड वसे होया साडा हाबड़ी 15-16 हज़ार दे नेड़े। टूट गई जी हवेली सारी? हाँ टूट गई, बहुत तगड़ी हवेली थी। बहुत तगड़ी हवेली थी। ये कैसी हवेली थी, क्या बताते थे आपने, कैसे देखी पहले? ना बहुत तगड़ी, 2-3 मंजिल हवेली थी। अच्छा, ऋषियों का रह करते थे। किसकी हुआ करती थी पहले? शुरू से ही बनिए रहते हैं यहाँ। अच्छा, बनाइया ले ली थी। कितने कमरे हैं जिसमें? अब कमरे होंगे 20-25 तो है आराम था। यहाँ पहले मुसलमान भी रहा करते थे? मुसलमान रह गए, यहाँ बनिए कि शुरू था मुसलमान। तो कैसा रोब था जी आपके गांव का, कहते हैं बड़ा अच्छा नाम था, ऊंचा नाम था मुसलमान का। उस टाइम मुसलमान नहीं चले थे, सरदारों का नाम नहीं, सरदारों नहीं चला होगा। क्या बताया कभी कौन सा मुसलमान किसका नाम चलता था यहाँ? सुलेमान का चले करता। सुलेमान कौन थे, क्या बताते थे? सुलेमान की अच्छी पहुंच थी, जरूरी फैसले कर देते थे 6 महीने लग के पंचायती फैसले। जरा ये चीज़ है इतने मतलब जी साढ़े बाबा मेरा साहब ढेरिया ने ना, ये मामा भाणजा सन इतलो उत्थे भाणजा है पिंड दे विच मामा है। पूरी मान तो होती है 15-18 नूं असीं उन्हां दा मेला मनाने हैं ते सारा नगर। हावड़ी गाँव की एक ये मस्जिद है काफ़ी पुरानी जो उस दौर की है, यहाँ से आज से 75 साल पुरानी। अगर आप बंटवारे की बात करें तो बंटवारे को हो चुका है, लेकिन उससे पुरानी ये मस्जिद आपको पता लग जाएगी। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह का डिज़ाइन है, कारीगरी की गई है दीवारों पर। और ये वो छत्ती गली है, कहते हैं कि यहीं पर जो पुराने बुजुर्ग इकट्ठे होते थे आज भी इकट्ठे बैठते हैं। और अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है, ये गलियाँ थोड़ी बड़ी हो चुकी है, खुली हो चुकी है। यहाँ हवेलियाँ होती थी पुरानी पुरानी, एक हवेली आगे टूटी पड़ी है, तो गलियाँ आज काफ़ी बदल चुकी हैं। और ये एक पुरानी हवेली जो कहते हैं कि बाद में हॉस्पिटल यानी कि क्लिनिक में तब्दील हो गई, एक पुरानी ये एक छोटी सी हवेली है जो इसका पुराना स्ट्रक्चर बचा हुआ है। और ये पुराने दरवाजे वाले घर, ये आपको पुराने दौर की याद दिलाए। जो पुरानी हवेलियां हुआ करती थी वो आज खंडरों में तब्दील है, और उसकी ईंटें कुछ ऐसी बिखरी पड़ी है। भले ही वक्त बदल गया हो, लेकिन 1947 की एक कहानी पता लगी है कि कहते हैं कि सारे मुसलमान 12 गांव के यहाँ इकट्ठे हो गए थे। बाबू जी वो क्या बता रहे थे कि आप मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए थे, क्या बात थी? उस टाइम बंटवारे के टाइम में समझे पूरा मुसलमान बहुत समझे इज्जत वाले थे, पैसे वाले थे, जमीन वाले थे, पूरा इकट्ठे हो गए थे। इस गाँव से सही सलामत गए थे। अच्छा। आगे जाके उनके साथ कुछ भी बने हो तो सही सलामत चले गए थे। पूरी हवेली थी? हाँ जी पूरी हवेली। दो ग्राइया थी अपने पिंड, बाहर किसी पिंड जाते 24 घंटे लंगर चलता जे रहन दी सुविधा। दूर दूर दे पिंड ने बक्कल हो गया, इधर संगरौली हो गई, तो बाकी मतलब अठौंठा हो गया इत्थे। मतलब जिहड़ा प्रोग्राम ये भोग दा किसे वडेरा खत्म हो जाता है वो इत्थे आण के भोग पाते हैं जी। इत्थे रहन दा वसीला, पानी दा, पख्यां दा, मंजियां दा बहुत ज़्यादा ही इत्थे। इत्थे कोई ना मुसलमान दा पिंड सी इत्थों ज़्यादा है ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਚਲੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟ ਮੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਰੀ, ਬਾਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੱਗੀ, ਜਦ ਜੰਗਲ ਇਸ ਯਾਰ 'ਚ ਫਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੇ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰੋਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ जिथे ज्यादा बंदे जिथे भी ताकत एक हो गई दाल गलाई ठीक है ना जंगल पटपट जमीना बनाई आसान थोड़ी था थोड़ी जिम्मे मतलब होना मुंजिया खलोतिया ने कोठिया बनिया ने चक्कर थोड़े सन पीछे पाकिस्तान उधर गया है ठीक है ना उजड़न तो बाद इतने आने घर बनाए जमीना बनाई सारा कुछ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੱਪੜ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਕੀ 6 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ 82 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ